आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर्स को याद रखना है। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक है कोड सिलवाकर जर्मनी टू लंदन जाओ। इस ट्रिक में अगर हम कोड की बात करें तो उसमें से हमें सी लेना है, जिसका मतलब होता है कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर है 6। सिलवाकर की अगर हम बात करें तो उसमें से हमें एस आई लेना है, एस आई मतलब सिलिकॉन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। जर्मनी में से हमें जी ई लेना है, जिसका मतलब है जर्मेनियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 32। टू में से हमें टी लेना है, जिसका मतलब होता है टिन, और इसका सिंबल है एस एन, और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो होता है 50। लंदन में से हमें एल लेना है, जिसका मतलब होता है लेड, और इसका सिंबल है पी बी, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 82। आइए अब सीखते हैं कि इसके एटॉमिक नंबर्स को किस तरीके से याद रखा जाए। आपको सिर्फ मैजिक नंबर याद रखना है 8, 18, 18, 32। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के नाम और उसके एटॉमिक नंबर्स किस तरीके से याद रखने हैं वो आप सीख चुके होंगे। तो आपके लिए आसान होगा कि आप ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर किस तरीके से याद रखें। जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो कार्बन का आपका हो जाएगा 6। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो आपका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। गैलियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 31, तो जर्मनी का आपका हो जाएगा 32। वहीं अगर हम इंडियम की बात करें तो उसका होता है 49, तो आपका टिन यानी कि एस एन का हो जाएगा 50। थेलियम की अगर हम बात करें तो उसका होता है 81, तो लेड का हो जाएगा आपका 82। अगर आपने अभी तक ग्रुप 13 के एटॉमिक नंबर्स याद नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ये तो आप मैजिक नंबर का यूज़ करके भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसके बाद आप मैजिक नंबर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन का यहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर है, तो अगर हमें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर निकालना है तो उसमें मैजिक नंबर का पहला नंबर यानी कि 8, इसको कार्बन के एटॉमिक नंबर के साथ ऐड कर देना है। जैसे कि 6 प्लस 8 दोनों मिलकर 14 बनते हैं, तो ये आपका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम जर्मनी की बात करें यानी कि जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें बस सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर प्लस 18, जो कि हमारा मैजिक नंबर आता है, उसके साथ ऐड कर दें तो आपको जर्मेनियम जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कि होता है 32। वहीं उसी तरीके से अगर हम टिन की बात करें यानी कि एस एन, तो इसमें जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर और हमारा मैजिक नंबर 18 को ऐड करने पर 50 मिल जाएगा। और वहीं अगर हम लेड की बात करें यानी कि PB, तो हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ टिन यानी कि 50 के साथ हम अगर एटॉमिक नंबर 32 यानी कि मैजिक नंबर 32 को ऐड करें तो हमें लेड का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, जो कि होता है 82। आइए अब सीखते हैं कि किस तरीके से ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हमें नाम को याद रखना है। तो उसकी ट्रिक है NPA ऑफ SBI। NPA आपने बैंकिंग के टर्म्स में सुना होगा, NPA नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स होता है, और SBI का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शुरू में NPA में से N लेना है, जिसका मतलब होता है नाइट्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर है 7। और हम NPA में P की बात करें तो P होता है फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 15। NPA के अगर हम A लेंगे तो उसका होता है आर्सेनिक, और इसका एटॉमिक नंबर है 33। SBI में से हमें पहले SB लेना है, जिसका मतलब होता है एंटीमनी, और इसका एटॉमिक नंबर है 51। SBI में से बाद में हमें VI लेना है, जो होता है बिस्मुथ, और इसका एटॉमिक नंबर है 83। अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर्स को भी हम इस तरीके से याद रखते हैं मैजिक नंबर्स की मदद से, 8, 18, 18, 32। अगर आपको ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद हो गए हों तो आप ग्रुप 15 के भी निकाल सकते। जैसे कार्बन का होता है 6, तो नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा 7, सिलिकॉन का अगर 14 होता है तो फॉस्फोरस का 15, जर्मेनियम का 32 होता है तो आर्सेनिक का आपका हो जाएगा 33, एंटीमनी का अगर हम बात करें, टिन की बात करें जिसका होता है एटॉमिक नंबर 50, तो एंटीमनी का आपका हो जाएगा 51, लेड की अगर हम बात करें तो इसका होता है 82, तो बिस्मुथ का हो जाएगा आपका 83। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर इस मैजिक नंबर का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। अगर हमें फॉस्फोरस का निकालना है तो नाइट्रोजन के एटॉमिक के नंबर के साथ हमें मैजिक नंबर यानी कि 8 को ऐड कर देना है, तो हमें फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 मिल जाएगा। वहीं अगर हमें आर्सेनिक का निकालना है तो इसमें हमें फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर के साथ मैजिक नंबर 18 ऐड करना होगा, तो हमें मिलेगा एटॉमिक नंबर 13।
अगर हम एंटीमनी की बात करें तो इसमें हमें आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर 33 के साथ मैजिक नंबर 18 को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 मिल जाएगा। वहीं अगर हम बिस्मत की बात करें तो हमें इसमें एंटीमनी के एटॉमिक नंबर के साथ मैजिक नंबर 32 को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें मैजिक बिस्मत का एटॉमिक नंबर 83 मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।